Hello everyone, I'm Hina and welcome back to my YouTube channel. If you are new to my channel, then please do subscribe. आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हेयर स्टाइल मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपने वीडियो में, वो है फ्लावर बन हेयर स्टाइल. सो यहाँ पे हम ब्रेड्स क्रिएट करेंगे और ब्रेड की हेल्प से ही हम एक फ्लावर क्रिएट करेंगे. ये हेयर स्टाइल जो है साड़ी पे बहुत ही अच्छा लगता है. आप इसको गाउन के साथ में वेयर कर सकते हैं, आप इसको सूट के साथ में वेयर कर सकते हैं, पार्टीज के लिए ये परफेक्ट लुक है. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द वीडियो एंड सी हाउ वी कैन क्रिएट दिस लुक. प्लीज डू ट्राई इट ऑन योर सेल्फ एंड कमेंट एंड लेट मी नो हाउ डू यू लाइक द वीडियो. तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे साइड पार्टीशन, उसके बाद में हम बनाएंगे डच प्लेट. डच प्लेट बनाना मैं अपने वीडियोस में आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ. अगर आपको नहीं आता है तो आप आई बटन में चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूँगी. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे आगे की ब्रेड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है. ये हम अबव दी एयर तक बनाएंगे, मतलब कान के ऊपर तक हम जो है इस ब्रेड को बनाएंगे. उसके बाद में हम इस ब्रेड को जो है लेफ्ट की साइड में टर्न करते जाएंगे, मतलब ये ब्रेड को जो है हम लेफ्ट साइड की ओर लेकर के जाएंगे. तो जो हमने फ्रंट में पार्टीशन किया था, हमने राइट साइड के पहले सारे बाल लिए थे, अब जो है जो लेफ्ट साइड के बचे हुए हैं वो भी हम ले रहे हैं. तो लेफ्ट साइड की ब्रेड भी हो गई है कंप्लीट. अब हम इसको एक टर्न देंगे, अब हम इसको राइट साइड की तरफ लेकर के जाएंगे. ये देखिए ये नीचे के बचे हुए बाल हैं, इनकी हेल्प से जो है इस ब्रेड को अब हम राइट साइड की ओर लेकर के जाएंगे. तो जब हमारी डच ब्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जितने भी बचे हुए बाल थे वो हमने ब्रेड में इंक्लूड कर लिए हैं, तो उसके बाद में हम जो है नॉर्मल ब्रेडिंग करेंगे और जो है इसको रबर बैंड की हेल्प से सिक्योर कर देंगे और ऐसे पुलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे सो दैट जब हम फ्लावर बनाएंगे तो वो एक खिला खिला सा लुक आएगा. ये देखिए ब्रेड्स को कैसे प्लेट्स को जो है हम लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड से जो है ऐसे पुल कर रहे हैं. तो रबर बैंड से हमने कर दिया है इस ब्रेड को सिक्योर. अब ये देखिए कैसे फ्लावर हम बना रहे हैं. इसको हमने एक ट्विस्ट दिया और पिन की हेल्प से सिक्योर कर दिया. ऐसे ही हम एक और ट्विस्ट देंगे और ये जो एक्स्ट्रा हेयर नीचे के निकले हुए हैं रबर बैंड के बाद में, उसको हम ऐसे अंदर की साइड पे डाल देंगे. सो बॉबी पिन से अब हम इस फ्लावर को, ये देखिए फ्लावर बन गया है. इस फ्लावर को जो है बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर कर देंगे सो दैट ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं. तो पिन से सिक्योर करने के बाद में ये कुछ ऐसा दिखेगा और इसको मैंने अपने अकॉर्डिंगली हेयर एक्सेसरीज से कर दिया है डेकोरेट. आप अपनी मनपसंद की एक्सेसरीज यूज़ कर सकते हैं.